हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो फॉर IIT फाउंडेशन एंड ओलंपियाड एंड NTSC क्लासेस। अगर आप फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं और आप NTSC के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलते हैं फुल कॉन्सेप्ट और आपको सेपरेशन के इसमें टेक्निक्स बताएंगे हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के। इससे पहले हम सॉलिड की टेक्निक्स देख चुके थे सेपरेशन की, और उससे पहले हम मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस देख चुके थे, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख चुके थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड कर सकूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर सकें, जो कि 6 से लेके 10th तक का ओलंपियाड फाउंडेशन और NTSC का कोर्स यहाँ पर रेगुलर हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि अगर आपको ये कोर्स अच्छे से मिले, आप अच्छे से क्लासेस लें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हिस्ट्री विद MP सिंह को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर की बात करते हैं। सबसे पहले हमने सॉलिड मिक्सचर की तो बात कर ली थी, अब यहाँ पर हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर की बात करें तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो टेक्निक्स देख रहे हैं सेपरेशन की वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। तो ये सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन ये टेक्निक्स किस तरीके से बेस्ड है, इसमें हम कौन से सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो देखते हैं। इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन हाई डेंसिटी ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर एग्जांपल, यानी कि इसमें हम इस मेथड में सेपरेशन में हाई डेंसिटी ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड कंपोनेंट इज यूज्ड, ठीक है ना। हाई डेंसिटी ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड जो होगा वो कंपोनेंट हम क्या करेंगे इसमें यूज करना होता है। जैसे हम देखें, हम लेते हैं एग्जांपल में एक सैंड ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर हम देखते हैं तो सैंड की जो डेंसिटी है वो कैसी है, वो ज़्यादा है, और वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी क्या है, कम है। यहाँ पे लिखा भी है ना, और जो सैंड है वो वाटर में सैंड है वो कैसा है, वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है ना, यहाँ पे दिया है ना हाई डेंसिटी ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड लेते हैं तो हम यहाँ पर सैंड ले रहे हैं, सैंड कैसा है, इनसॉल्युबल है, और इसकी डेंसिटी भी कैसी है, हाई है, रेदर देन अदर जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है ना। सॉलिड लिक्विड की बात हो रही ना, कि ये तो लिक्विड है ये सॉलिड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हियर सैंड बीइंग हैवियर सेटल एट द बॉटम एंड लिक्विड इज स्लोली ट्रांसफर्ड इनटू अनदर कंटेनर। यानी कि अगर हम दोनों का अगर हम मिक्सचर ले लेंगे और दोनों के मिक्सचर हम देखेंगे, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सैंड की डेंसिटी ज़्यादा है और ये इनसॉल्युबल है वाटर में, तो दोनों के मिक्सचर में क्या होगा कि जो सैंड होगी वो बीकर में यहाँ पे नीचे बॉटम में यहाँ पे क्या कर जाएगी, यहाँ पर रेस्ट कर जाएगी, यानी कि बैठ जाएगी, है ना, सेटल हो जाएगी इसमें। और जबकि जो वाटर होगा वाटर ऊपर ऊपर रहेगा वो इससे अलग ही रहेगा। तो जैसे ही हम इसको किसी अलग बीकर में इस तरीके से करते हैं तो वाटर तो इसमें आ जाएगा क्योंकि इसकी लो डेंसिटी है, और जबकि इसमें सेटल रहेगा क्या, जिसकी हायर डेंसिटी यानी कि सैंड यहाँ पर सेटल रहेगी, और दोनों को फिर हम क्या कर लेंगे, ईजिली सेपरेट कर लेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस, वो है फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में क्या बताया गया है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इसमें दिया है, इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट इज यूज, यानी कि यहाँ पर हम डिफरेंट साइज के पार्टिकल के कंपोनेंट लेंगे, वो कैसे होने चाहिए, इनसॉल्युबल सॉलिड होना चाहिए। यानी कि यहाँ हम सॉलिड लिक्विड की बात करें तो हम जो सॉलिड लेंगे वो कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा, और साइज में कैसा होगा, डिफरेंस होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मिक्सचर ऑफ बेरियम सल्फेट का ले रहे हैं, बेरियम सल्फेट एंड वाटर, यानी कि वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है, और बेरियम सल्फेट क्या है हमारा, सॉलिड है। दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इनको सेपरेट करना है, तो सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो साइज में बड़े हैं और ये इनसॉल्युबल है, इसमें वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल है। तो हम इसको फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, जब हम फिल्टर पेपर में से हम इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को क्या करेंगे, उसमें जैसे ही पास करेंगे उसमें से, तो जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो वाटर होगा, वाटर तो फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा, जिसको हम किसी बीकर में ले सकते हैं, यानी कि वाटर को अलग कर सकते हैं, और जो बेरियम सल्फेट होंगे यानी इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़े होंगे साइज में, वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को फिर हम ईजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में भी दिया हुआ है। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये फिल्टर पेपर यहाँ पर आपको लगा हुआ है, यहाँ पर जैसे ही हम मिक्सचर ये किस किस का है, ये मिक्सचर था
आपको ये मैंने एक बार बताया था मिक्सचर किसका है, बेरियम सल्फेट का मिक्सचर है और वाटर का मिक्सचर था। तो जैसे ही हम इसको इस फिल्टर पेपर से पास कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर है वो तो यहाँ से पास हो जाता है, और जबकि फिल्टर पेपर पर यहाँ पर क्या रह जाता है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट आपका, बेरियम जो सल्फेट है वो आपका रह जाता है इस पे फिल्टर पेपर पे। तो फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टेक्निक्स है वो है इवोपरेशन। इवोपरेशन आपने सुना भी होगा और आपको शायद पता भी होगा इवोपरेशन से हम कैसे कर सकते हैं सेपरेशन। तो इसके लिए सेपरेशन करने के लिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखते हैं इवोपरेशन में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर दिया है इन द मेथड ऑफ सेपरेशन द एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू रिमेन अनडिकम्पोज्ड व्हेन सॉल्यूशन इज हीटेड अप टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट इज द प्रिंसिपल यूज्ड। यानी कि इसमें जब तक कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता है तब तक जो सॉलिड होगा वो कैसा रहेगा, वो रिमेन्स अनडिकम्पोज्ड रहेगा, यानी कि उसमें वो भी उसके साथ बॉयल होगा नहीं, ठीक है, यानी उसमें वो अनडिकम्पोज रहेगा, ठीक है ना, उसमें एक तरीके से मिलेगा नहीं। जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं शुगर का लेते हैं और वाटर का लेते हैं, हम जैसे ही दोनों को हीट करते हैं, मतलब दोनों का हमने मिक्सचर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, इसमें हमने शुगर और वाटर का क्या ले लिया, मिक्सचर ले लिया, यानी कि सोल्यूशन ले लिया इसमें। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम बर्नर लगाते हैं, बर्नर से मतलब हम जैसे इसको हीट देते हैं, तो हीट देते हैं तो क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर जैसे ही अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आता है ये क्या करने लगता है, इवोपरेट होने लगता है, यानी वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा और जो इसमें शुगर थी, शुगर क्या हो जाएगा, शुगर के क्रिस्टल बनना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि शुगर के इसमें क्रिस्टल रह जाएंगे केवल, और वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, और हम दोनों को ईजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। हाँ, जैसे हम सोडियम क्लोराइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन आपको पता होगा प्रोसेस कौन सी होती है, ठीक है ना। तो डिस्टिलेशन में हम देखते हैं इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन हीटिंग द सॉल्यूशन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कंपोनेंट फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl and water can be separated by this method. Here water evaporate and condense back to water and sodium chloride is left behind in the distillation flask. यानी flask, ठीक है ना, यानी कि distillation में एक तरीके से, पहले मैं बता दूँ आपको distillation process होती क्या है, यानी distillation process एक तरीके से ये होती है, हम जब भी हम heating करते हैं substance को, यानी कि solution में जब हम उसको heating करते हैं तो वो heating करने के बाद हम फिर उसको वापस क्या करते हैं, यानी कि वो हीटिंग में चेंज होने के बाद वो वेपर में चेंज हो जाता है। वेपर में चेंज होने के बाद यानी कि जो भी लिक्विड होगा वो वेपर में चेंज हो जाता है हीटिंग करने पे, और फिर उसको अगेन कूलिंग करके उसको सॉलिड में क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, यानी उसको अगेन लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है, यानी कि हमने यहाँ पर एक सॉलिड और एक लिक्विड लिया, जैसे हमने NaCl सोडियम क्लोराइड लिया जो कि क्या है, सॉलिड है, और हम यहाँ पर वाटर ले रहे हैं। तो जैसे ही हम दोनों के मिक्सचर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वाटर क्या होगी, वाटर तो इवोपरेट होने लगेगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा तो ये इवोपरेट करने लगेगा, और इवोपरेट करने के बाद फिर हम इसको जब वापस कूलिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस लिक्विड बन जाएगा, और इसको हम अलग कर सकते हैं, और NaCl तो वहीं पे क्या रह जाएगा, रिमेंस रह जाएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में, क्योंकि हम डिस्टिलेशन फ्लास्क से करेंगे तो इसमें वापस रह जाएगा, मतलब ये तो इसमें रह ही जाएगा, और इसको हम कंडेंसन करके वापस इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले इवोपरेशन में चेंज हो जाएगा, फिर इसको कूलिंग करेंगे तो कंडेंसेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस अपने लिक्विड में आ जाएगा, और इसको ईजीली क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। जैसे मैं आपको ये फिगर से थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, जैसे ये था ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, यहाँ पर हमने सैंड और वाटर दोनों का मिक्सचर लिया हुआ है, यहाँ पर हमने किस किस का लिया है, सैंड का लिया हुआ है और वाटर का लिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, बर्नर को जैसे ही हम हीट करते हैं, तो यहाँ पर जो वाटर होगा, वाटर क्या हुआ, इवोपरेट होगा यहाँ पर, और इवोपरेट होने के बाद फिर हम यहाँ से इसको कंडेंसेशन करेंगे तो वाटर तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, वाटर हमें वापस यहाँ पर आ जाएगा, और सैंड जो होगी हमारी वो यहीं पे रह जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आई होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।